नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता अगर बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, कई प्रयत्न करने के बाद भी आप उसे सुधारने में असक्षम हैं, आपका कार्य नहीं बन रहा है, सामने वाला कितना ही रुष्ट हो, कितना ही नाराज हो, यहाँ तक कि उसने आपको अगर ब्लॉक भी कर रखा है, आपसे बात भी नहीं कर रहा है, तो भी आज का हमारे द्वारा बताया जाने वाला ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल वो आपसे बात करने लगेगा, वो अपने संबंध, अपने रिश्ते आपसे पहले की तरह मधुर करेगा, खुद आएगा आपके पास, आपको बनाएगा और आपके संबंध होंगे पहले की तरह खूबसूरत। मित्रों, इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, जबकि आपके पास उचित समय हो, आप इस उपाय को कर लें। बड़ा सरल सा उपाय है, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक सुने, आपको निश्चित ही इस उपाय से लाभ होगा और आपके संबंध सुधरेंगे। मित्रों, उपाय में एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपना विश्वास पूरा बनाकर रखें। उपाय आवश्यक नहीं है कि एक दिन में ही आपके लिए कार्य कर जाए। नक्षत्रों के हिसाब से कभी कभी उपाय थोड़ा समय लेते हैं, परंतु आपका कार्य हो जाता है। तो संयम रखें और विश्वास के साथ उपाय को करें। उपाय को, जैसा कि बताया, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले अगर आपने स्नान किया हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने हाथ मुँह पैर धोकर आप एक स्थान पर पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर, जिस ओर से सूर्य उदय होता है, उस तरफ मुख करके बैठ जाएं। उपाय को करते समय आपने अपने पास थोड़ी सी हल्दी रखनी है, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच के अनुमान हल्दी रख लें। थोड़ा सा कच्चा दूध साथ में रखें, कोई कटोरी ले लें, उसमें 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध आप ले लें। हल्दी को आप उस दूध में डाल लें और उसके बाद आप उपाय शुरू करेंगे। ये जो आप कार्य करेंगे, हल्दी जो डालेंगे वो आप बैठने के बाद डालेंगे, दूध जो होगा वो आप पहले डाल सकते हैं। अब आप जब बैठ गए, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उस व्यक्ति को, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई मित्र हो, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे स्मरण करें, उसे सोचें, पूरी एकाग्रता के साथ सोचें और उपाय करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कोई आपके आसपास ना हो, कोई विघ्न डालने वाला व्यक्ति ना हो। अब आपने क्या करना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जैसे ही उसकी तस्वीर आपके मन में आने लग जाए, आपने आंखें खोलनी है। ये जो हल्दी है, इस हल्दी को आपने आपकी जो अनामिका उंगली है, जो कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी होती है, लिटिल फिंगर, उसके बगल वाली, उस उंगली को सीधे हाथ की इस हल्दी में एक बार डुबोना है। जो दूध के अंदर हल्दी आपने डाली थी उसमें डुबोना है, उस पर छुलाना है और उसके बाद उसे अपने माथे पर लगा लेना है, तिलक की तरह, बिंदी की तरह लगाएं। असल में आप इसे छुला लें बस, और उंगली को हटाएंगे नहीं, और आँखें बंद करे हुए में ही, यानी आँखें आप बंद कर लें और उस व्यक्ति को फिर स्मरण करें, और उसके बाद एक मंत्र जो कि वीडियो में दिखाया गया है, बड़ा ही सरल सा मंत्र है, इस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करें, 11 टाइम्स, उल्टे हाथ से मंत्र को आप गिन भी सकते हैं। ओम रीम त्र अमुक वश्य वश्य स्वाहा, ये मंत्र 11 बार बोलेंगे, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेंगे, मुख्य नाम, पहला नाम, जो पुकारा जाने वाला नाम होता है वही आपने लेना है। मंत्र को बोलने के बाद जब आप 11 बार बोल लेंगे, इस कटोरी में जितनी भी आपका हल्दी दूध है उसे आप किसी पौधे पर या किसी दीवार के सहारे किनारे पर गिरा दें, या कोई साफ स्थान हो वहाँ भी गिरा सकते हैं। वापस घर के भीतर आ जाएं, अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें। ये मित्रों आपने उपाय किया, आपको इसके परिणाम अपने आप दिख जाएंगे एक ही दिन में। अगर ये 3 से 4 दिन में असर नहीं करता है, आप इस उपाय को एक बार फिर दोबारा कर लें, आपको अवश्य इससे लाभ प्राप्त होगा।
आशा करते हैं मित्रों भाई आपको भली भांति समझ में आ गया है। अब ध्यान गया, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।